Assalamu alaikum. Tamam tarifein Allah hi ke liye hain, jo tamam jahanon ka parwardigar hai. Beshumar durood o salam Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam aur aap sallallahu alaihi wasallam ki aal par. Colors of life bhi Salim ke saath ek baar phir aapki khidmat mein hazir hoon. Ji jinab, to Zugspitze ka part 1 aap dekh chuke hain aur aapke comments se mujhe andaaza ho raha hai ki mashallah aap bhi mere saath saath bahut enjoy aapne is video ko kiya. और आज Zugspitze का पार्ट 2 मैं रिलीज कर रहा हूं और उम्मीद है कि आपको यह पार्ट भी पिछले पार्ट की तरह बहुत पसंद आएगा. और तो चलिए सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां पे पार्ट 1 में हमने इसका इख्तिताम किया था. जी व्यूअर्स, मैं इस वक्त चेयर लिफ्ट के जरिए इस वक्त मैं टॉप ऑफ जर्मनी यानी जर्मनी के सबसे बुलंद मकाम पर हूँ. और ये जो सी सरफेस से यानी सताए समंदर से 2962 मीटर हाई है और मेरे चारों तरफ ये बादल ही बादल हैं और आप देख सकते हैं कि कोई मंजर नज़र नहीं आ रहा. बस ये मेरे पीछे जो ये सबसे बुलंद जो इनकी पीक है बस ये नज़र आ रही है. और यानी बिल्कुल इस वक्त मैं 2962 मीटर हाई टॉप ऑफ जर्मनी पे मौजूद हूँ.
एफर्ट्स, मेरी इस वक्त सांस फूल रही है क्योंकि मैं यहाँ अभी आपने देखा भी होगा और बड़ी ये मुश्किल ये इसकी चोटी थी, ये मैं बड़े ख़तरनाक तरीके से अल्लाह ताला ने पहुँचाया और मैंने बड़ी कोशिश करके मैं इसकी चोटी पर पहुँचा हूँ और बहरहाल सांस फूल गई मेरी। बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और इस वक्त मैं वापस यहाँ जो इन्होंने बिल्कुल चोटी के पैरेलल एक बहुत बड़ा जगह बनाई हुई है फोटोग्राफी के लिए, वीडियो के लिए, उधर पहुंच गया हूं और इस वक्त बिल्कुल बादलों की वजह से धुंध ही धुंध आपको नज़र आ रही होगी, लिहाजा कुछ साइडों का मंजर जो है शायद इतना अच्छा नज़र ना आए और उसकी वजह यह है कि बादल ही बादल छाए हुए। और उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी, मेरा ये टूर बहुत पसंद आ रहा होगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।